नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैरिज के ऊपर, कि अगर मैरिज होने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। पर उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे मैरिज होने में क्या इश्यूज आ रहे हैं, या मैरिड लाइफ में भी इवन क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम चार्ट देखते हैं तो सेवेंथ हाउस मैरिज या मैरिड लाइफ के लिए लिया जाता है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड। बट एक हाउस जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिज होने में। सेवेंथ हाउस एक्चुअली आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, या आपका एटीट्यूड क्या है रिलेशनशिप को लेके ये बताता है। बट वो तो बात की बात होगी जब आपकी मैरिज होगी, पहले मैरिज या रिलेशनशिप होना चाहिए, आप कमिटमेंट के लिए रेडी हो, वो हम देखते हैं ट्वेल्थ हाउस से। मैरिज होने के लिए ट्वेल्थ हाउस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्वेल्थ हाउस को समझें तो ट्वेल्थ हाउस आपके बेडरूम का है, बेड प्लेजर्स का है। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन लैंड का है, हॉस्पिटल का है, मेडिटेशन का है। ट्वेल्थ हाउस आपके फीट का है, पैरों का। ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का है, फास्टिंग का है। ट्वेल्थ हाउस आपका जेल को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्वेल्थ हाउस आपके सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोशन या भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ट्वेल्थ हाउस की जब भी हम बात करेंगे, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कालपुरुष के चार्ट में पाइशीज है। पाइशीज एक वाटरी साइन है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप में इमोशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एट ट्वेल्व हाउस कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये जल तत्व की राशि है। इसलिए ट्वेल्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में एंट्री करने के लिए। वहां पे एग्जॉल्टेड होता है ट्वेल्थ हाउस का कालपुरुष के चार्ट में जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर हमारी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। जब तक हम किसी के साथ स्पेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जुपिटर एक्सेप्टेंस का कारक है। जब तक हमारा एटीट्यूड ब्रॉड माइंडेड नहीं होगा, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, हम किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते। तब तक कभी भी हम कमिटमेंट शो नहीं कर पाते रिलेशनशिप। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का क्वालिटी आना चाहिए। पाइसिस या ट्वेल्थ हाउस में जो प्लेनेट एग्जॉल्टेड है वो वीनस है। वीनस कारक है रिलेशनशिप का, सिग्निफिकेटर, इसीलिए वो ट्वेल्थ हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा है पाइसिस में, क्योंकि पाइसिस साइन ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का है, या अनकंडीशनली देने का, गिविंग का। और रिलेशनशिप भी अनकंडीशनली इमोशनल शेयरिंग का है, या देने का है। रिलेशनशिप में हिसाब किताब नहीं रखा जाता है कि लेन देन का। जितना ज्यादा आप शेयर करना चाहेंगे या देने का एटीट्यूड रखेंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। इसीलिए वीनस वहां पे एग्जॉल्टेड है। इससे आप समझ सकते हैं ट्वेल्थ हाउस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट के लिए, डिवोशन के लिए, या कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। आप देखेंगे जब तक कि ट्वेल्थ हाउस एग्री नहीं करता, ट्वेल्थ हाउस में बैठे प्लेनेट एग्री नहीं करते, तब तक जो है हमारा मैरिज नहीं होता। लव रिलेशनशिप के लिए भी ट्वेल्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मन के गुणों को, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा मन है। फोर्थ से नाइन्थ है ट्वेल्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस हमारे क्रिएशन का होता है, हमारे फादर का, लगन से। हम सबका क्रिएशन हमारे फादर से हुआ है, तो अगर हमें मन का क्रिएशन देखना हो तो फोर्थ से नाइन्थ है ट्वेल्थ हाउस। कि हमारा हमारे मन का क्रिएशन कैसे हुआ, आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो तरह की प्रकृतियां बताई गई, एक शारीरिक प्रकृति, एक मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति जो होती है वात पित्त कफ दोष के बेस पे होती है, जिसको कि आप लगन या लगन में बैठे प्लैनेट से देख सकते हैं। और मानसिक प्रकृतियां जो होती है सत्व, रज और तम के बेस पे बताई गई। सात्विक प्रकृति है आपके मन की, राजसिक प्रकृति है कि तामसिक प्रकृति, जिसमें सात्विक प्रकृति सबसे बेस्ट बताई गई। उसके लिए आपको ट्वेल्थ हाउस देखना पड़ेगा। ट्वेल्थ हाउस आपके क्वालिटी ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मानस प्रकृति हो।
इसीलिए 12th हाउस में जितने ज्यादा सात्विक प्लैनेट हो लाइक जुपिटर वो सबसे बेस्ट बताएंगे। राजसिक और तामसिक प्लैनेट उतने अच्छे नहीं बताएंगे, स्पेशली जो तामसिक प्लैनेट हैं जैसे सैटर्न राहु केतु, ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं आपके माइंड। तो जितना सात्विक प्लैनेट होगा 12th हाउस में, सात्विक गुणों वाली क्वालिटी होगी, उतना आपका माइंड ओपन रहेगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस का क्वालिटी रहेगा। इसलिए 12th हाउस का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड के क्लीन होने के लिए, क्योंकि जब माइंड क्लीन होगा तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे किसे एक्सेप्ट करना है किसे नहीं। 12th हाउस भक्ति या डिवोशन का है, क्योंकि 9th से 4th है। 9th हाउस आपके रिलीजन का है, गुरु का है, और 4th हाउस हमारे लगन से मेंटल पीस होता है, आर्ट का होता है। तो 9th से 4th है 12th हाउस। रिलीजन का पीस कहाँ होता है 12th हाउस में? 12th हाउस मोक्ष का है, आप धर्म के मार्ग पे चलते इसीलिए है कि आपको मोक्ष मिले। 9th से 4th है आपके गुरु के हार्ट का, गुरु के हार्ट में जगह बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए आपको भक्ति की जरूरत होती है, इसीलिए 12th हाउस भक्ति है। डिवोशन, डिवोशन या भक्ति जो है आपके भगवान को लेके भी हो सकती है, गुरु के लेके भी हो सकती है, किसी इंसान को लेके। तो 12th हाउस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, जब तक आप डिवोटेड नहीं होंगे तब तक रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। सिक्स हाउस आप देखिए लगन से लोन का होता है, ऋण का होता है, ऋण किसी भी तरीके का हो सकता है, तो किसी भी हाउस से सिक्स हाउस उसका ऋण है। 12th हाउस 7th से 6th है, और 12th हाउस हमारे एंसेस्टर्स का भी होता है, पितरों का, और 6th हाउस ऋण है। 7th से 6th है 12th हाउस, मतलब हमारा मैरिज या विवाह जो है हमारे एंसेस्टर यानी पितरों का ऋण है, जब तक उनका ब्लेसिंग नहीं होगा आपका विवाह नहीं हो सकता। इसीलिए चाइल्ड बर्थ है, आपका मैरिज है, इसके लिए जो है एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए 12th हाउस का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12th हाउस में ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट है या एफ्लिक्टेड है तो आपके ऊपर एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग नहीं है, आपका माइंड क्लीन नहीं है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डिवोशन के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट के लिए। ट्वेल्थ हाउस आप देखेंगे कि 12th हाउस जेल का है, जेल का मतलब मीनिंग ये नहीं होता कि फिजिकली आप क्राइम करें तभी जेल जाए, इसलिए 12th हाउस मोक्ष का भी। अगर मैलिफिक प्लैनेट है तो जो आपके अननेसेसरी थॉट्स हैं या जो आपने थॉट प्रोसेस में बंधे हुए, वो भी एक तरह का जेल है, आप उससे अगर लिबरेट हो जाए या उससे फ्री हो जाए तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये क्योंकि ये भी एक तरह का जेल है अपने विचारों में बंधे रहे। इसीलिए मोक्ष के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, भाव सागर से पार जाना। मोक्ष का मीनिंग ये नहीं है कि आप मरेंगे तभी मोक्ष के लिए, अपने भावनाओं के सागर से बाहर निकलना और पीसफुल स्टेट अटेंड करना, ये भी मोक्ष। तो 12th हाउस का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट। 12th हाउस स्लीप का भी है, इसीलिए इसलिए आप देखिए 12th हाउस एफ्लिक्टेड हो तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहता, आपका मन शांत नहीं रहता, जब मन शांत नहीं होगा तो आपको नींद अच्छी नहीं आती, और अगर 12th हाउस क्लीन हो तो आपको अच्छी नींद आती, और नींद भी एक तरह का मेडिटेशन है जिससे माइंड या ब्रेन अपने आप को हील करता है, पर अगर आपको नींद ना आए तो ब्रेन अपने आप को हील नहीं कर पाता। मैंने कहा ना कि 12th हाउस भक्ति या डिवोशन का होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो और टॉरस असेंडेंट सबसे ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए 7th और 12th दोनों का लॉर्ड वीनस होता है, सेम है, टॉरस के लिए भी 7th और 12th का लॉर्ड सेम है, मार्स। तो जिसके साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट शो करते हैं उसी की भक्ति करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं टॉरस और स्कॉर्पियो लगन वाले, इसीलिए इनको अगर रिलेशनशिप में सेटबैक लगता है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या उससे बाहर नहीं आ पाते।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 12th हाउस आपके बेडरूम लाइफ का भी है, आपके माइंड के क्रिएशन का भी। तो जब तक कोई आपके मन को प्रभावित नहीं करेगा तब तक आप उसके साथ कमिटमेंट शो नहीं करेंगे रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उस इंसान का प्रभाव होना चाहिए। हर किसी के साथ आप बेडरूम शेयर नहीं करना चाहते। तो 12th हाउस बताता है कौन आपके मन को प्रभावित कर रहा है। वहां अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो अच्छी चीजें आपके मन को प्रभावित कर रही है, मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो नेगेटिव चीज। 6th हाउस लगन से हमारा क्लींजिंग होता है लोअर एब्डोमेन का, पेट साफ रहे, हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन पूरी तरह लाइट फील करता है, इसीलिए 6th हाउस हर हाउस से उसका क्लींजिंग है। तो 7 से 6 है 12th हाउस। मैरिज के लिए 12th हाउस का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली आप देखेंगे मैलेफिक प्लैनेट हो, सैटर्न केतु जैसे, स्पेशली केतु हो तो मैरिज में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल या ब्लॉकेज देता है। ऐसे लोगों का बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस होता है मैरिज को लेकर, ये जल्दी कमिटमेंट शो ही नहीं करना चाहते, या मैरिज हो भी जाए तो बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने रिलेशनशिप। इसलिए अगर 12th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा, मैरिज में इशू आ रहा है या नींद का इशू आ रहा है, तो आपको 12th हाउस क्लीन करना पड़ेगा, उसका रेमेडी कीजिए। 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट 12th हाउस का रेमेडी वो है फास्टिंग। 12th हाउस देने का है ना, छोड़ने का, गिविंग का। 2nd हाउस फूड हैबिट है, 12th हाउस फूड हैबिट छोड़ने का, फास्टिंग का। आप सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी आप फास्टिंग कर सकते हैं। जो प्लेनेट बैठा है या जो 12th हाउस का लॉर्ड है उस डे के दिन फास्टिंग कीजिए। सन है तो संडे के दिन, मून है तो मंडे के दिन, मार्स है तो ट्यूसडे, मर्करी है तो वेंसडे, वीनस है तो फ्राइडे, सैटर्न है तो सैटरडे। आप उस पर्टिकुलर डे के दिन फास्टिंग कर सकते हैं। और फास्टिंग हमेशा सनराइज से सनसेट तक किया जाता है, उसके बाद में। दूसरा रेमेडी अपने माइंड शांत करने का वो ये है, 12th हाउस फीट का होता है। आप सोने से पहले फीट के सोल्स में, फोरहेड पे और बालों के जड़ में, सिर पे ऑयल मसाज करके सोएं, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी तो ब्रेन शांत रहेगा। ट्वेल्थ हाउस का एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है डोनेशन करना। जो प्लैनेट बैठा हो 12th हाउस में, जो उसका लॉर्ड हो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स का डोनेशन करें। जैसे जुपिटर है तो थर्सडे के दिन स्वीट डोनेशन करें प्रीस्ट को, मर्करी है तो बुक है, कोई स्पिरिचुअल बुक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट, आप वेंसडे के दिन डोनेशन कर सकते हैं, किसी बच्चे को डोनेट कर सकते हैं। मून है तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट मंडे को डोनेट कर सकते हैं, शिवलिंग पे मिल्क ऑफर कर सकते हैं मंडे को। वीनस है तो फ्राइडे के दिन क्लॉथ या परफ्यूम डोनेट कर सकते हैं किसी फीमेल को। सैटर्न है तो ऑयल या आयरन से रिलेटेड कोई चीज है, सैटरडे को डोनेट कर सकते हैं। मार्स है तो ट्यूसडे को हनी डोनेट कर सकते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट हैं 12th हाउस में बैठे हुए या उनका जो लॉर्ड है, उस पर्टिकुलर डे के दिन आप उनसे रिलेटेड चीजों का डोनेशन। 12th हाउस में बैठे प्लैनेट या जो 12th हाउस का लॉर्ड है उसके डीटी की भी आप पूजा कर सकते हैं। सन है तो श्री राम जी की, मून है तो गौरी माता की, मार्स है तो आप हनुमान जी की या कार्तिकेय भगवान की, मरकरी है तो नारायण, जुपिटर है तो गुरु की पूजा कर सकते हैं आप, वीनस है तो लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, सैटर्न है तो भी नारायण जी। जो प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है उसका जो लॉर्ड है उससे रिलेटेड डीटी की पूजा कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं 12th हाउस के। डोनेशन, फास्टिंग, मंत्र चैंटिंग, आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। मेडिटेशन का है 12th हाउस। मेडिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है ब्रेन को शांत करने का, ब्रेन को क्लीन करने का। मेडिटेशन है, प्राणायाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर होता है। एक सबसे कॉमन रेमेडी जो हर कोई कर सकता है वो ये है, कोई स्पिरिचुअल बुक या स्पिरिचुअल चीजें डेली पढ़ें या सुने, क्योंकि
क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है, जो 12th हाउस का लॉर्ड है कालपुरुष के चार्ट। जब जुपिटर अच्छा होगा तो आपके इमोशंस फ्रीली फ्लो करेंगे और आपके ब्रेन में जो ब्लॉकेज होता है वो ओपन हो जाता है और आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस का क्वालिटी बढ़ता है, क्योंकि जुपिटर एक्सेप्टेंस का कारक है। तो ये सबसे अच्छा रेमेडी है कि स्पिरिचुअल चीजें सुनना या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना डेली थोड़ा थोड़ा करके। ये आज हमने डिस्कस किया 12th हाउस और 12th हाउस की रेमेडीज। तो जिस किसी को भी मैरिज में डिले हो रहा है या मैरिज मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम का भी है ना, बेडरूम लाइफ मैरिड लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, तो सभी 12th हाउस का ये रेमेडी करें। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आते रहेंगे। आप लोगों को भी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।